कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा ओढ़ के चादर तू गुरूर की ओढ़ के चादर तू गुरूर की देता अपने आप को धोखा कौन कहा कौन कहा जिस फोटोग्राफर ने आरसी साहब की शादी की तस्वीरें खींची थी उसे मार दिया गया। उसकी लाश किसी गंदे नाले में सड़ी हुई हालत में मिली अंकल। कल आप हमारे घर पर तशरीफ जरूर लाइए, फिर हम आपको जवाब देंगे हाँ या ना। मैं तुम्हारे कारण ही तो अज्ञातवास पर हूँ, तुम्हारे कारण तो भटक रहा हूँ। इस डिप्रेशन में जाने का क्या मतलब? मैं आरसी को बेवकूफ बनाकर बहुत बड़ा अस्पताल खोलूंगा और अपने बेटे का दहेज वसूलूंगा, और मैं अस्पताल के अंदर से लिवर किडनी और बहुत से ह्यूमन ऑर्गन्स का व्यापार शुरू कर दूंगा। कैसी रिलेशनशिप? क्या वो भी आपसे? Yes, she believes me and she loves me too much. And you love her too? Of course, I love her too. लेकिन बट मैं बीच में आ गई, राइट? यू चीटेड मी प्रेम, यू लाया, यू फ्रॉड, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम दो दो लड़कियों से एक साथ फ्लर्ट करते हो और मानव धर्म की बात करते हो। आई हेट यू। उर्वशी, तुम शायद रॉन्ग साइड जा रही हो। वो मेरी सिस्टर है, वो भी ब्लड के रिलेशन में, वो मेरे सगे मामा मामे की बेटी है। I'm sorry, प्रेम, I'm extremely sorry. I didn't know you had a blood relationship. तुमने कभी बताया ही नहीं तो गलतफहमी हो गई। मुझे भी कल ही पता चला उर्वशी, मैं तो उसे बहन बोल चुका था, लेकिन मौसी जी ने बताया कि वो मेरी ब्लड रिलेशन की बहन है, मेरे सगे मामा मामी की बेटी। तो फिर इसमें धर्म संकट वाली क्या बात है? ये तो खुशी की खबर है कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छी प्यारी बहन मिली। ये खुशखबरी नहीं, दुखखबरी है। उसके पापा ने ही, यानी मेरे सगे मामा ने ही मेरे मौसा जी का कत्ल किया है। ये बात है, और तुम्हारी मौसी जी ने तुम्हें सर्वेक्षणी और उसके फैमिली से रिलेशनशिप तोड़ने को कहा है, राइट? राइट, यही बात है। मौसी जी को डर है कि कहीं वो मेरे मामा जी मुझे कत्ल करके मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा ना कर ले। हाँ, और अब उनके टारगेट पर हैं मैं, कृष्णा भैया, शकुंतला मौसी, और यहां तक कि उर्वशी, मुझे तो मेरे मोम डैड की प्लेन क्रैश की घटना भी एक रहस्य में लग रही है। मुझे पुलिस कमांडो सिक्योरिटी दी गई है। कहीं मम्मी पापा के प्लेन क्रैश के पीछे भी मामा जी का हाथ तो नहीं? प्रेम, आई थिंक तुम्हें अपने मौसी जी की बात मान लेनी चाहिए और सर्वेक्षणी से रिलेशनशिप तोड़ देना चाहिए। बस इसी मानव धर्म संकट में फंसा हूं। अरे, एक टैलेंटेड लड़की जिसका कोई दोष नहीं, फिर भला सजा उसे क्यों मिले? सारा किया धरा उसके पापा का, और यही चीज चुभ रही है उर्वशी जी मुझे। प्रेम जी, जान है तो जहान है, मेरी बात मानो तो सर्वेक्षणी से रिश्ता तोड़कर अपनी लाइफ को सेव कर दो। अगर वो टैलेंटेड है तो उसे कहीं भी किसी भी कंपनी में काम मिल सकता है। शी कैन बिल्ड अ नाइस फ्यूचर, पर एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ उर्वशी, अब ये तो करना ही है, और वैसे भी मैं मौसी जी की कोई बात नहीं टाल सकता, लेकिन मैं सर्वेक्षणी के लिए दुखी तो हो सकता हूँ। बेचारी के सारे सपने टूट जाएंगे अब।
एनीवेज उर्वशी मैं चलता हूँ, आज ही उसके प्रोजेक्ट पर ब्रेक लगानी है। ओके ओके बाय सी यू। बाय सी यू। सर्वेक्षणी उसकी बहन। जग्गू जी जल्दी आइए। अरे इतना कौन सा अर्जेंट काम था जो इतनी जल्दी बुला भेजा? एक बहुत बड़ा ऑफर आया है, फिल्मी जगत के मशहूर स्टार सेक्रेटरी वीरू जी खुद यहाँ आए थे। अच्छा तो हिरुन का ऑफर आया है, वैसे अब भी जालिम लगती हो जान। जब ऑफर चाहा था तब तो किसी ने नहीं दिया, अब क्या कहा खाएगा वो? अभी तो ऐसे ही ऑफर आते हैं जैसे तू लाता है। इसको फांसो, उसको शीशे में उतारो। अभी किसको शीशे में उतारना है, इतना बड़ा हाथ तो मार चुकी हो। कोई डॉलर किंग प्रेम विलियम है। प्रेम विलियम? हाँ प्रेम विलियम। तेरा वो वीरू उस पर निशाना क्यों लगाना चाहता है? तेरा या उसका टांका फिट कराना चाहता है या उसका टेटुआ दबाना चाहता है, ये सब पता कर। तब नहीं किया तो अब कर लूंगी, लेकिन इतना भड़क क्यों रहा है तू? ये विलियम मेरा शिकार है, अगर कोई दूसरा उस पर निशाना लगाएगा तो मैं भड़कूंगा नहीं। अपने उस सेक्रेटरी को बुला कली, उससे पूरी बातें पता कर, लेकिन जरा होशियारी से। ओहो मेरे आका, आपका ये हुकुम भरी सर आंखों पर सुना है कि प्रेम विलियम यंग है, डैशिंग है। कर सकते हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री के सपने देखना छोड़ दे, अपनी औकात में रहे। बूढ़ा तो तू हो चुका है जग्गू, पहले वो देख। आज भी रूप रानी चाहे ना तो किसी को भी अपनी नजरों से घायल कर दे, अपनी जुल्फों में किसी को भी बांध कर रख ले। आज भी रूप रानी का ये रूप सबको घायल कर देती है, हाय निकलती है सबकी। वो तो माल देकर वो दो बच्चों वाले पर गेम खेल गई रूप रानी, और क्या, वरना आज भी रूप रानी के रूप का जादू आज भी चढ़ती जवानियों पर सितम ढाता है। अरे चुप कर, जब भी देखो अपनी खुशफहमी में जीती रहती है। चलता हूँ, तेरा आशिक आता ही होगा, उससे सब कुछ पता करना, लेकिन होशियारी से। माँ, माँ अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, इंतजार का एक एक दिन भारी पड़ रहा है। केके का दिमाग अगर कहीं खास जगह चला गया है तो वो किसी मशहूर राइटर से क्यों नहीं लिखवा लेता सब्जेक्ट? बेटा केके के बारे में कहा जाता है कि उससे सब्जेक्ट ऊपर वाला देता है, और जो सब्जेक्ट ऊपर वाला देता हो उसमें नेम और फेम तो मिलना ही है, बस ऊपर वाला उसे कोई ऐसा सब्जेक्ट दे दे तेरी तकदीर चमक जाए और मेरा बदला पूरा हो जाए। माँ जरा सोच, अगर केके साहब को सब्जेक्ट मिला ही नहीं तो? शट अप, आज कह दिया सो कह दिया, अंदा ख्वाब में भी ऐसी बात अपनी ज़बान पर मत लिख रहा। उसे सब्जेक्ट मिलेगा और जरूर मिलेगा, बस उसके दिल पर चोट लगे और वो तड़पे। जरा केके साहब को फोन तो लगाना, जरा देखे कर क्या रहे हैं।
हाँ बोलो मीरा। के साहब, महाकाल के दर्शन हो गए, माँ शिप्रा नदी में स्नान भी हो गए होंगे, कैसा महसूस कर रही हो तुम अब? मन की शांति भी मृत तृष्णा जैसी है के साहब। पुरी में लगता था कि महाकाल में शांति मिलेगी, और महाकाल में शिवलिंग के दर्शन के बाद लगता है कि अब वृंदावन चली जाऊं कृष्ण भूमि पर। सुना है वहां की पावन धरती की गोद में आत्मा को काफी शांति मिलती है। कितनी अजीब बात है मीरा, यश शोहरत चकाचौन की दुनिया का ख्वाब देखने वाली मीरा आज शांति की तलाश में भटक रही है, और के सब्जेक्ट की तलाश में भटक रहा। कहीं ऐसा ना हो कि इधर मुझे सब्जेक्ट मिले और उधर तुम्हें वैराग्य प्राप्त हो जाए। जो उजाले की एक किरण के लिए छटपटा रही हो के साहब, उसे ऊर्जा पिंड कहाँ नसीब होगा? वैराग्य तो मन की सबसे बड़ी जीत है के साहब, और मन तो भौतिकता में भटक रहा है। कब फिल्म बनेगी, कब रिलीज होगी, और कब मैं शोहरत के आसमान पर बैठूंगी? कब, आखिर कब? जब वो चाहेगा तब मीरा, जब वो चाहेगा तब। फोन रखता हूँ मीरा, मेरा मन भी आज बहुत उदास है। सर, हम आपसे बात करें। कहो खालिद। सर, आप होटल के बाहर निकलते नहीं, कमरे के बाहर। बाहर निकल के देखिए हमारे होटल में कितनी रौनक है सर। एक बार बाहर निकले, जब से आप आए हैं कमरे के अंदर ही बैठे हुए। निकलूंगा खालिद, जरूर निकलूंगा। यस सर। अभी मन बहुत उदास है, तुम चाय रखो और जाओ। शोहरत उसकी, दौलत उसकी, जब चाहे जिसको देता है, जब चाहे जिसको देता है, वो ही बनाए वो ही बिगाड़े, सब कर्मों का लेखा जोखा, कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। हेलो, हेलो, हाय। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? मोनालिका के पास बहुत पैसा और बहुत वक्त है। चलिए तो अच्छी बात है, भगवान का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि वो जिसे पैसे देता है ना, उसे पैसे इस्तेमाल करने के लिए वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त देता है उसे वक्त काटने के लिए पैसे नहीं देता। आप तो बहुत लकी हैं। पर क्या? पर ये जो कॉम्बिनेशन है, मेरे कहने का मतलब है कि पैसा और वक्त, इस कॉम्बिनेशन के सहारे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। मतलब आप मेरे वक्त की कुर्बानी मांग रहे हैं? कहिए, मोनालिका फेम शोहरत पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। देखिए मैडम, ना तो मैं कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ, ना ही मैं पॉलिटिशियन हूँ, और ना ही मुझे ओलंपिक्स या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, इसलिए आपका ये फेम का रास्ता मेरे यहाँ से तो नहीं गुजरता। सॉरी। मत गुजरने दीजिए, हमारी दोस्ती का रास्ता बस खुला रखिए, बाकी जो तकदीर में होगा। आप आरसी जी की दूसरी शादी के फोटोग्राफ्स लेकर गई थी, क्या हुआ? मतलब श्रीमती श्रीवास्तव जी का क्या रिएक्शन था? मैंने तो उनको खुलकर कह दिया है कि आप अपने पति को चेतावनी दे दीजिए, अगर मानते हैं तो ठीक है, वरना 7 साल के लिए जेल में भेजने की लड़ाई मैं उनके साथ लड़ूंगी। ये मामला एक औरत की इज्जत का, उसके सम्मान का है। हाँ,
पीके अंकल और आंटी भी आरसी पे दबाव डाल रहे हैं, और फिर तुम्हारा ये एटम बम जो तुमने श्रीमती श्रीवास्तव जी का साथ देने का और उन्हें वो फोटोग्राफ दिखाने का किया है, उससे कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। ना जाने क्यों औरत ही औरत की दुश्मन हो जाती है। अब आप देखिए, भगवंती श्रीवास्तव की दुश्मन कोई और नहीं, एक औरत है। और जब औरत ही औरत की दोस्त बनती है, जैसा तुम कर रही हो श्रीमती श्रीवास्तव जी का साथ देकर, तब उसके नतीजे सुखद ही होते। देखना मोनालिका, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अब बॉल श्रीमती श्रीवास्तव के कोर्ट में है, देखते हैं वो क्या फैसला लेती है। शायद आरसी सही रास्ते पर आ जाए। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ, फिर मिलूंगी। कौन? इंटरनेशनल माफिया का इंडिया एजेंट। और आप कौन? बॉम्बे का माफिया डॉन। और हमारे दोनों महारथियों के होते हुए दो चूहे हमारी पन्नी उतर रहे। बात क्या है, साफ साफ बात करो ना। अरे यार, पीके और चित्रांश दोनों मेरे किए धरे पर पानी फेर रहे। चित्रांश? क्या क्या चित्रांश? अरे यार, उनको कहीं फोटो हाथ लग गए हैं आरसी की नाजायज शादी के, और सबकी कन्नी कतर रहे। बलेश्वर जी, आपको याद है आपने एक बार कहा था कि चित्रांश की कलम को रोको, और मैंने रोक दी। और आज मैं आपसे कहने आया हूं कि उसका मुंह बंद करो और फोटो ले लो। अगर ये नहीं कर सकते तो उड़ा दो उसको। आप बकवास करते हो जगदीश। नहीं, चित्रांश को कुछ नहीं होना चाहिए। रहा सवाल आपके फोटोज का, तो उसको हासिल करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। सोचने का वक्त दो। वैसे तुम्हारी समस्या का एक हल है मेरे पास। क्या? अरे फोटो लीक हुए, क्या पता किस किस के पास होंगे। देखो, आरसी है बड़ा आदमी, नाम वाला, कोई भी कभी भी उसे पास आ सकता है। तो तुम उसके सामने दो रास्ते रखो। एक रास्ता ये कि अभी जो तूफान उठा है उसमें आरसी एक तिनका बन जाए। मेरा मतलब है कि उसकी बीवी जैसी घरेलू औरत से माफी मांगने का नाटक करके बात को घर में खत्म कर दो। दूसरा रास्ता है कि दोनों बीवियों में से किसी एक को उड़ा दो। न कानून कुछ कर सकता है, न समाज। वाह बलेश्वर जी, आपकी बात में दम है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आरसी की दोनों बीवियों में से एक रहेगी, या फिर दोनों रहेंगी और एक खामोश रहेगी। फिर कोई क्या कर लेगा? मियां बीवी राजी, और क्या करेगा काजी। ये नया फॉर्मूला आरसी को बताता। बिल्कुल। ओके, राइट। कब तक चित्रांश को बचाता रहूंगा, कब तक? शेरों के जबड़ों में हाथ डालने की कोशिश करता है। हे भगवान, मैंने औलाद जरूर मांगी थी, लेकिन ऐसी बेवकूफ औलाद नहीं मांगी थी, ऐसी ईमानदार औलाद नहीं मांगी थी जिसे कलयुग के तौर तरीके ही नहीं मालूम। कब तक बचाओ? जनंदिनी, शोभावती, पृथ्वीलोक में कलयुगी पिता की प्रार्थना सुनी। क्या एक पिता अपने पुत्र के लिए ऐसी अशुभ अनैतिक बात कर सकता है?
हर इंसान का अक्स वहां पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता, कौन कहां कौन कहां कौन कहां कौन कहां?